वो भी तो वो सरदूत था ना जो गिराया गया था, वो भी सामर्थी है ना, ताकतवर है, मगर परमेश्वर के दूतों के आगे वो टिकता नहीं। परमेश्वर के दूत उसको हरा कर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर परमेश्वर के पास से वो पहुंचते जरूर हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4th खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में अर्थात उसके 10वें भाग के विषय में सीखा था। आज भी हम प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में महापवित्र स्थान के बारे में जो है उसके 11वें भाग के विषय में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। हम इसमें जो है 3 पॉइंट दिए गए थे। हम पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। पिछले संदेश में हमने महापवित्र स्थान में रखे वाचा के संदूक अर्थात साक्षी के संदूक के विषय में सीखा था। आज जो है हम सीखेंगे कि महापवित्र स्थान में जो वेदी रखी गई है, धूप वेदी जिसको कहा गया है, उसके विषय में हम सीखेंगे। वेदी जो है ये उस वेदी की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये उस वेदी की बात नहीं है जो आंगन में रखी गई है। आंगन में रखी गई वेदी को होम बलि की वेदी कहा गया है और महापवित्र स्थान में जो वेदी रखी गई है इसे धूप वेदी कहा गया है। उस वेदी में और इस वेदी में जमीन आसमान का अंतर है, उसकी सेवकाई में और इसकी सेवकाई में जमीन आसमान का अंतर है। इस भेद को जो है वो समझेंगे कि आज जो महापवित्र स्थान में वेदी रखी गई, धूप वेदी जो रखी गई है, उसका आज के समय में या आज के युग के लोगों से क्या संबंध है, या इसका आज के युग के लोगों की वर्शिप से क्या संबंध है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों 9 अध्याय उसका 3-4 पद तक। दूसरे पर्दे के पीछे वे तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था, परम पवित्र स्थान जो है वो कहलाता था। 4th पद है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हरून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। किसमें? महापवित्र स्थान में जो चीजें रखी गई थी वो बताया जा रहा है। जब आप निर्गमन 30 अध्याय 1-6 तक, निर्गमन 37-25-28 तक पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मूसा को बताता है कि धूप वेदी को बनाना है और वो किस तरीके से बनाना है वो वहां पर बताता है। निर्गमन 37-29 तक धूप और अभिषेक का तेल बनाने की विधि जो है वो मूसा को समझाई जाती है, बताई जाती है। इस धूप वेदी के अर्थ को समझे तभी हम जो है पवित्र स्थान की सेवकाई को अर्थात उपासना को भी समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 8 पद को जरा ध्यान दीजिएगा। तब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्रचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। देखिए वो सोने के कटोरे जो हैं ये 4 प्राणी और 24 प्राचीनों के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। सोने के कटोरों में धूप थी और वो धूप क्या है? ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं।
पवित्र लोगों की है। प्रार्थनाएं तो पापी भी करते हैं, मगर उनकी प्रार्थनाएं जो है वो इस धूप के कटोरे में नहीं है। प्रकाशित वाक्य 8:4 ध्यान दीजिएगा आप यहां पर। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित सरदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। अब क्या है धूप वेदी, जहां पर धूप जलाई जाती थी, वो धूप का धुआं जो था, जो परमेश्वर के समक्ष पहुंचाया जाता था, जो महापवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में जो धूप की वेदी रखी हुई थी, जब उसमें धूप जलाई जाती थी, वो धूप का धुआं जो था, जब वो परमेश्वर के नतनों में पहुंचता था या परमेश्वर के समक्ष पहुंचता था, तो वो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। और यहां प्रकाशित वाक्य के अंदर वो ही भेद जो है वो खोला जा रहा है, जो परम पवित्र स्थान में जो धूप वेदी रखी जाती थी, धूप जलाई जाती थी, उसके धुएं का भेद जो है यहां प्रकाशित वाक्य में खोला जा रहा है कि ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो सरदूत जो था वो उस धूप की भेंट को परमेश्वर को चढ़ाता था, यानी वो प्रार्थनाएं जो हैं वो परमेश्वर को चढ़ाई जाती थी। आप जानते हैं डैनियल की प्रार्थना भी परमेश्वर को के पास उसी दिन पहुंच गई थी, परमेश्वर का वचन बताता है, उसी दिन डैनियल की प्रार्थना पहुंच गई थी, परंतु सरदूत जो है 21 दिन उस प्रार्थना का उत्तर लेकर 21 दिन लेट हो गया था। परमेश्वर ने उसी दिन प्रार्थना का उत्तर देकर भेज दिया था कि जाए डैनियल को जो है ये बता दे। जब वो आया तो सबसे पहले उसने डैनियल से माफी मांगी अपने देर के आने के कारण, और ये भी बताया कि देरी क्यों हुई, क्योंकि शैतान से उसके बीच में लड़ाई हो रही थी, उसको हराकर वो प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आया। हमारी प्रार्थनाएं कभी कदार पहुंच जाती हैं परमेश्वर के पास, जब हम बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े धीरज के साथ करते हैं, और हमारी प्रार्थना में व्यर्थ की बातें नहीं होती हैं, तो वो सीधे प्रार्थनाएं उस धूप वेदी पर जाकर जो है वो समर्पित होती है, और वहां से सरदूत उठाकर परमेश्वर को चढ़ाता है, और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर तुरंत सरदूत जो वहां खड़े रहते हैं उनको उत्तर उनको देता है कि जाओ इस बहन की, इस भाई की प्रार्थना का उत्तर लेकर जाओ। मगर कभी कदार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। आप सोचिए, वो प्रार्थना का, आपका, आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर वो सरदूत आ रहा है, परंतु बीच में शैतान ने उसे घेर लिया, उससे लड़ रहा है, उससे लड़ता, उसको मारता, उस पर विजय प्राप्त करता हुआ तब वह हमारे पास तक पहुंचता है। दिन लग जाते हैं। शैतान भी जो है वो भी तो वो सरदूत था ना जो गिराया गया था, वो भी सामर्थी है ना, ताकतवर है, मगर परमेश्वर के दूतों के आगे वो टिकता नहीं। परमेश्वर के दूत उसको हराकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर परमेश्वर के पास से वो पहुंचते जरूर है। हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। मगर आपने अगर बड़ी पवित्रता के साथ लिखा पवित्र लोगों की प्रार्थना है, तो हमें पवित्र बनना है अगर हम अपनी प्रार्थना का उत्तर चाहते हैं। भजन संहिता 141:2 में क्या लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि ठहरे। अब यहां क्या लिखा है, सुगंध धूप, यानी जो प्रार्थना है वो वहां पर जो धूप बेती रखी जाती थी, क्यों रखी जाती थी, कि उसकी सुगंध जो है वो परमेश्वर को आनंदित करती थी। वो परमेश्वर को आनंदित करने का मतलब ये नहीं है कि वो धुआं उसको आनंदित कर रहा है, या वो धूप जो उसके अंदर बहुत सी चीजें लाया जाता था उससे परमेश्वर आनंदित हो रहा है, परंतु उस धूप का जो अर्थ होता था, उसके धुएं का जो अर्थ होता था, वो परमेश्वर जो है उन प्रार्थनाओं को देखता था, बड़ी पवित्रता के साथ की गई है, बड़े विश्वास के साथ की गई है, बड़े भरोसे के साथ की गई है। जब बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जब हम प्रार्थनाएं करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती, तो परमेश्वर उससे आनंदित होता है, और जिस प्रार्थना से परमेश्वर आनंदित होता है वो उसका उत्तर देता है। यहां दाऊद यही कह रहा है कि मेरी प्रार्थना जो है तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे, परमेश्वर को भाने वाली, परमेश्वर को सुगंध आने वाली प्रार्थना वो होनी चाहिए। और फिर क्या, देखिए इसका अर्थ बता रहा हूं, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सुगंध धूप जो है वो ठहरती है। सुगंध कैसे उत्पन्न होती है, हमारी प्रार्थनाओं में सुगंध कैसे उत्पन्न होती है, जैसा अभी हमने बताया
मगर यहां पर परमेश्वर एक एक बात और कहता है कि सुगंध को उत्पन्न करना पवित्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मगर ये पवित्रता, ये विश्वास, ये भरोसा आता कैसे है, किस तरीके से आएगा? चलिए मेरे साथ निकाल सकते हैं आप जकरिया 12 अध्याय उसका 10 पद, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उन्हें लूंगा। मैंने पूरा पद नहीं पढ़ा है, अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। अब प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए, वो कौन सी है, वो कहां है? हम तभी हमारी प्रार्थना जो है पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ और भरोसे के साथ भरी होती है, उसमें व्यर्थ की बातें नहीं होती हैं, जब हम सिखाने वाली आत्मा के द्वारा प्रार्थना सीखते हैं और करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, इफिसियों 6:18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। देखिए यहां क्या लिखा, हर समय जो है और लगातार रोजाना जो है आत्मा में होकर प्रार्थना करना, यानी आपको रोजाना प्रत्येक दिन आत्मा में बने रहना है। यह नहीं कि जिस समय आपको प्रार्थना की जरूरत है, जिस समय आपको परमेश्वर से कुछ मांगना हो, उस समय आप जो है बड़ी पवित्रता के साथ नहा धोकर ब्रश करके आप आ गए, कुल्ला करके आ गए और प्रार्थना करने लगे तो आप सोचे कि आप आत्मा में भर गए। नहीं, हर समय रोजाना जो है, परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, और विशेष करके ये कि पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। अब पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना वही करेगा जो पवित्र होगा, जब हम खुद ही पवित्र नहीं है तो हम पवित्र लोगों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? जब हम खुद ही पवित्र नहीं है और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना पहुंची कहां जा रही है? हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हमारी तो प्रार्थना यहां तक नहीं पहुंच रही है, स्वर्ग में तो जाने की बात बहुत दूर है। तो यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, 1 कुरिन्थियों 14:15 में, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अब देखिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अब सब आत्मा से प्रार्थना करना समझ में आता है, अब बुद्धि से प्रार्थना कैसे करेंगे? अब बुद्धि से प्रार्थना किस प्रकार से होगी? अब बुद्धि प्राप्त कैसे होती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है वो उसके जीवन में बुद्धि का आरंभ होता है, वो बुद्धि को ग्रहण करता है। वो कहता है यदि किसी के पास बुद्धि की कमी हो तो वो बिना उससे मांगे वो बिना उलाना दिए उसे देता है, और जिसके पास बुद्धि है वो बुराई से दूर रहता है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर के भय में रहता है। अब अगर हमें परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त है तो हम परमेश्वर से के भय से भय में बने रहेंगे, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। मगर 2 कुरिन्थियों 4:4 को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को क्या करा है, अंधी कर दिया है, ताकि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश जो है वो उन पर ना चले। शैतान क्या करता है, यदि परमेश्वर की बुद्धि है और जरा सा भी आप शैतान को अवसर देते हैं तो सबसे पहले वो उस बुद्धि जो आपके अंदर है उसको अंधा बना देता है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का भय, परमेश्वर की आत्मा हमसे दूर हो जाती है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर हो जाता है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन से हट जाता है, फिर हम कितनी प्रार्थना करें, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, करता रहे कुछ भी कर, वो ना सुनने वाला है, नहीं सुनेगा, तू देख ले। इसलिए हमें परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है, ताकि हम प्रार्थना जो है वो निरंतर करते रहें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। बुद्धि के द्वारा भी और आत्मा के द्वारा भी हमें प्रार्थना करना है, वो सिखाने वाली आत्मा है कि कैसे प्रार्थना की जाती है। फिर है रोमियों 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर के बयान से भार है हमारे लिए विनती करता है। जी हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
कि हमारी दुर्बलताओं में हमें नहीं पता होता है कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी परेशानियों में, हमारी चिंताओं में, हमारे बोझ में हम परेशान होते हैं, उन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कैसे प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का आत्मा जो है वह हमारे अंदर है, वह हमें सिखाता है। और वो जो है आहें भर भर के परमेश्वर से जो है जो बयान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वो आत्मा जो है वैसे प्रार्थना करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आहें भर भर के आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें सिखाता है, हमारे मुंह से निकलवाता है वो विश्वास, वो भरोसा और परमेश्वर पे जो हम रखते हैं, परमेश्वर पे जो आस्था रखते हैं वो आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो कहता है हमें जो है इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहता है कि मैं प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, जैसे जकरिया 12:10 में था। योएल नबी उसका 2 अध्याय उसका 28 और 29 पद में लिखा हुआ है कि मैं अंत के दिनों में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। और प्रेरितों के काम जब आप पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक, परमेश्वर ने वो अपना आत्मा उंडेला, यानी सब प्राणियों पे, नौकर चाकर और बुजुर्ग और जवान सबके ऊपर अपना आत्मा उंडेलना चाहता है। क्यों उंडेलना चाहता है? कि सबको उस आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना आनी चाहिए, उस सिखाने वाली आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करना सीखे। हम लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए वो कहता है प्रार्थना के द्वारा जो है वो होनी चाहिए। प्रार्थना द्वारा जो है सेवकाई है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों के दुख और तकलीफ और पीड़ाओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये सेवकाई के अंतर्गत आता है, ये वर्शिप में आता है। प्रार्थना जो आती है, हम दूसरों की कमजोरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में पवित्रता का स्तर बढ़ता है और सिखाने वाली आत्मा और आनंद के साथ हमें सिखाती है कि हाँ बिल्कुल सही प्रार्थना, अपने दुश्मनों के लिए भी करो, सताने वालों के लिए भी करो, हर एक दुख और मुसीबत और लोगों के लिए करो, और पवित्र लोगों के लिए करो, परमेश्वर के लोगों के लिए करो, देश के लिए करो, नेताओं के लिए करो, जो पुलिस विभाग के लोगों के लिए करो, और जो आर्मी के लोग जो हमारी रक्षा के लिए, उनके लिए करो, हर एक जन के लिए करो, हर एक जाति के लोगों के लिए करो जो गरीब है, परेशान है, इस देश के चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए करो कि वो सद्बुद्धि को प्राप्त करके परमेश्वर के भय में देश को चलाएं। सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और यही हमारी प्रार्थना जो है होता है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता और उत्तर देता है। प्रार्थना द्वारा जो है ये उपासना जो है यही होती, बात चाहे दुख की हो चाहे खुशी की हो, हमें निरंतर प्रार्थना। और हमारी प्रार्थना जो है जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो प्रार्थना करते हैं, तो वो धूप जो है जो जलाई जाती थी महापवित्र स्थान में, उस धूप का धुआं परमेश्वर को सुगंधित करता है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास और भरोसे के साथ तो प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु उस आत्मा के साथ जो परमेश्वर की आत्मा, उस आत्मा के सिखाने के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर। तो धूप जो महापवित्र स्थान में रखी थी वो क्या है? वो हमारी प्रार्थनाएं हैं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर को समर्पित होती हैं, और परमेश्वर वहां से उत्तर देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और बुद्धि के द्वारा प्रार्थना करें जो परमेश्वर को भाए, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर। तो वो आप सबको आशीष देगा।